हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और संडे व्लॉग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आजकल मैं वीडियो नहीं ला पाती क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल भी काफ़ी बिजी है इस समय, और कुछ टाइम बाद रेगुलर वीडियोस भी रखूँगी। तो आज जो भी काम मैंने किया है अपने टेरेस गार्डन पर वो शेयर करूँगी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने प्लांट्स पर अप्लाई करती हूँ। बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं कि प्लांट्स लगा देते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत छोटी सी टिप है, बहुत छोटी सी। मैं अगर ये कहूँ कि वो चीज़ मैंने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, उस चीज़ को मैंने पढ़ा था। हालांकि मैंने बहुत बार उसको अप्लाई भी करती हूँ, बट मैंने कभी इस तरीके से शेयर नहीं किया उस चीज़ को, या किया भी हो तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं है। तो आज मैं वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उस काम को करने के बाद मेरे प्लांट्स में, मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से है। तो संडे ब्लॉग में आज बहुत कुछ है, और कौन सा फर्टिलाइज़र आज मैं दे रही हूँ फ्री का है और पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आपके आई होप बहुत अच्छे से इसमें शूटिंग हो रही है, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत अच्छी है, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अभी ना तो सर्दी ज़्यादा है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा पीरियड माना जाता है सारा कुछ आज वीडियो में। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम जैसे कि मैंने ये देखा है कि सभी लोग कहते हैं कि पौधा लगाया ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए, कुछ एक प्लांट में तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कि इंटरनल प्रॉब्लम जैसे कहते हैं कि होती है, कुछ हार्मोन्स की, जैसे प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं, उनकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है किसी प्लांट में सिर्फ। लेकिन सभी प्लांट्स में, जैसे आप कहते हैं कि हमने 5 पौधे लगाए 7 पौधे जुलाई में लगाए, उसके बाद भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे पौधे लगाने में कुछ गड़बड़ी हमसे हुई है। देखिए, ऐसा नहीं है, प्लांट्स छोटा भी आया है, बड़ा भी आया है। देखिए, मेरी भी अभी जब मैंने टॉमी एटकिन का प्लांट लगाया था, तो आप लोगों ने कहा कि बहुत छोटा है, ग्रोथ नहीं करेगा, और देखिए काफ़ी अच्छी उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं है, जब भी आपको एक तो पौधा खरीद रहे ना, उसकी ग्राफ्टिंग सही होनी चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम खुद से जाके पौधे लेके आते हैं ना, तो उसका स्टॉक, जैसे कि मैंने अभी 2 पौधे लीची का और जो ख़रीदा था नींबू का, देहरादून से ख़रीदा, अच्छा रूट बाउंड भी था, प्लांट्स भी अच्छा हेल्दी और बुशी था, तो उसका भी इफ़ेक्ट आता है। यानी कि ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। साथ ही साथ पौधा लगाते समय हम कुछ गलतियाँ ना करें, मैंने ये सब बहुत सारे वीडियोज़ इन पर भी शेयर किए हैं, तो आप वो ज़रूर देखें। तो मैं उन्हें रिपीट नहीं करूँगी, सिर्फ छोटी सी एक, मतलब एक दो सेंटेंस में मैं कंप्लीट करूँगी कि जब भी आप पौधा लगा रहे थे, वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर के, अच्छे से मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर मिट्टी बहुत स्टिकी हुई, यानी कि इस तरीके की मिट्टी हुई कि वो बहुत जम रही है, तब भी आपके पौधे ग्रोथ नहीं करेंगे। तो देखिए, एक छोटा सा मेरे साथ जो भी पढ़ाई स्टडी की हुई होगी वो सब जानते हैं कि हमने 8th 9th स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। एक छोटा सा काम सिर्फ प्लांट पर करना होता है, अगर आप वो करेंगे ना, इतनी सारी मल्टी ब्रांचेज आपकी जो है निकलती चली जाएंगी। कई बार होता है कि प्लांट जो है लंबाई में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो है साइड ब्रांचेज नहीं बनती, सिर्फ लंबा लंबा होता जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने अपने 4 से 5 पौधे पे अभी रिसेंटली अप्लाई किया, क्योंकि मैंने अभी पौधे खरीदे थे, तो मेरे अमरूद के पौधे सिर्फ लंबाई में बढ़ गए या वैसे ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज नहीं निकाल रहे थे। तो उस सब के लिए देखिए मैंने क्या किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इस काम को एक बार ज़रूर करके देखिए। ये ना मेरा अमरूद का प्लांट है, और ये आप देखिए काफ़ी लंबा हो गया था, और कुछ में जैसे मैंने इसकी जितनी भी इसमें फ्लावरिंग हुई थी वो मैंने इसको सब हटा दी। स्टार्टिंग में आप फ्लावरिंग मत लीजिए, यानी कि जैसे ये पौधा आता है, अमरूद के पौधे या कुछ पौधे नींबू के पौधे आते हैं, अगर आप उनमें फ्लावरिंग लेते हैं तो वो फ्लावरिंग में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं और अपनी ग्रोथ को करना बंद कर देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमसे गलतियाँ होती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं नहीं हमारे यहाँ पौधे लगे। अब आप देख रहे हैं इसकी कितनी मल्टीपल ब्रांचेस निकल गई है। आपको देखिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से देखिए पौधा काफ़ी मेरा लंबाई में, देखिए यहाँ से पूरी ब्रांचेस इसकी निकल गई हैं और यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही है। मैंने एक छोटा सा काम किया था यहाँ पर, ये देखिए हमने पढ़ा था कि अगर आप अपर टिप्स को कट कर देते, यानी कि जो जैसे कि ये अपर टिप्स, अब मैं इसे तो नहीं करूँगी क्योंकि मेरी काफ़ी ब्रांचेस बन गई हैं, अगर आप अपर टिप्स को हटा देते हैं यानी कि कट कर देते हैं, उसके बाद नीचे की सारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इसे हम पहले, जब मैं कहती हूँ कि हमने जब पढ़ा था कि अंतस्थ कलिका को काट दिया जाए तो कक्षस्थ कलिकाएँ वृद्धि करने लगती हैं, तो ये छोटा सा लेसन हमने पढ़ा हुआ, मैंने उसे अपने पौधों पर अप्लाई करती हूँ, और वो मेरा इसका आप रिजल्ट्स देखिए। देखिए, फर्टिलाइज़र तो हमें देना ही है, वाटरिंग का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें तो हम करते ही हैं, और उसके बाद का देखिए रिजल्ट्स, ये सारे कितनी अच्छे से ग्रोथ हो गई है।
लेटर ही मैंने उसे अब की बार सोचा कि एक बार अप्लाई करके देखती हूँ। तो मैंने सारी ब्रांचेज में तो नहीं किया, एक ब्रांचेज में किया। और आप इसका रिज़ल्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि ऊपर से हल्का सा इसको जो पिंच किया, उसके बाद यहाँ से इसमें कई सारी मल्टीपल ब्रांचेज निकल गई। ये चीज़ सच में मैंने बहुत छोटी क्लास में यानी कि 7th 8th 9th में हमारे कई बार मैंने पढ़ा, साइंस की बुक में अंदर हमारा था कि ऊपर की कलिका को काट दो तो नीचे की ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसके बाद का ये इतना बेस्ट रिजल्ट है। अभी आज ही मैंने देखी अर्ली मॉर्निंग जब इसका मुझे बेटर रिजल्ट मिला, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी इस काम को किया। इसी तरीके से आप भी जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी पहली बार काम करते हैं, तो शुरुआत एक ब्रांच पर करके देखें, इसका ये रिज़ल्ट है। अब बात रही आम के पौधे की, आम के पौधों को अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर किया था। तो देखिए आम के पौधे पर ये देखिए, जैसे कि मैंने इस प्लांट को लगाया था, यहाँ पर रिंग के अगर आप नीचे से कटिंग करते हैं, नीचे से अगर जैसे कि ये रिंग बनी हुई होती है, उसके नीचे से अगर आप कटिंग करते हैं तो मल्टीपल ब्रांचेज निकलती है, यानी कि आपके प्लांट की ग्रोथ होती है। यदि रिंग के ऊपर से कटिंग करते हैं, यानी कि जब जो भी आपकी रिंग बनी हुई थी, देखिए मैंने सब रिंग के नीचे से कटिंग की, तो इस तरीके से मेरे इसमें मल्टीपल ब्रांचेस बनी, क्योंकि मेरे प्लांट भी थोड़ा सा डैमेज हुआ था इस समर में। तो ये आम के पौधों की मैंने वीडियो शेयर की, आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें चेक करिए, वीडियोज़ को मैंने डिटेल में प्रोसेस करके भी दिखाया है। तो ये देखिए उसके बाद इस तरीके से अभी आम में, तो अगर आप देखेंगे ना सभी आम के पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आम के पौधों में अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। अभी नवंबर तक आम का पौधा ग्रोथ करेगा, और उसके बाद देखिए जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया था, उन्हें फर्टिलाइज़र दीजिए अच्छे से और बहुत सारे काम आप कर दीजिए, क्योंकि फिर ये डोरमेंसी में जाएगा और 15 जनवरी के आसपास इसमें, ताकि हम अच्छे से फ्रूटिंग ले पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमको आम के पौधे से अच्छी। देखिए जितने भी मेरे आप आम के पौधे देख रहे हैं, सभी की ग्रोथ मैंने अभी जो है रिसेंटली ख़रीदे थे। देखिए एक चीज़ और आपके साथ मैं भी आज शेयर करती हूँ, जैसे किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा भी था कि देखिए मेरे पौधे बहुत पास पास में, तो आई होप बहुत अच्छा आपको नहीं दिखा पाऊँ। तो जैसे कि किसी ने शेयर भी किया था कि मैडम हम जो नर्सरी से पौधे मंगाते हैं तो क्या पता चले कि वो कौन सा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मैं एग्री करती हूँ इस बात को कि जो भी पौधे हमने मंगाए हैं वो तो हमें एक साल बाद जब उसमें फ्रूटिंग होगी ना तभी एग्जैक्ट पता चलेगा। देखिए ये मैंने मंगाया था बनाना मैंगो का प्लांट, और बिल्कुल अभी इस पर टैग भी आई थिंक लगा हुआ होगा, ये वाला जो प्लांट था इस पर पता नहीं टैग है कि नहीं, पर ये मेरा बनाना मैंगो का प्लांट है। और मुझे जहाँ तक पता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर, राघव के पास लगा हुआ है मुझे मालूम है, उसी ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि मैं इस प्लांट को लगाऊं, तो मुझे ज़रूर बताइए कि क्या ये साल में साल भर फूटिंग करता है क्या। हालांकि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, और आप देखो एक दो नहीं बहुत सारी ब्रांचेज बनी हुई, मे भी या तो ये बनाना मैंगो नहीं है, मुझे कोई दूसरा पौधा मिला है। देखिए अब ये तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी देखिए हर ब्रांच पर इसमें फ्रूटिंग आई हुई है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि क्या बनाना मैंगो में इस समय यानी कि साल भर या तो फ्रूटिंग करता है या नहीं करता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि हमने पौधे मंगाए हैं तो वो एग्जैक्ट है या नहीं, वो तो फ्रूटिंग के बाद ही पता चलता है। अब देखिए 14-15 मैंगो की मेरे पास वैरायटी है, तो अब कौन सा फ्रूटिंग करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा, इतनी वैरायटीज़ आ गई हैं, सच कहें तो मार्केट में हमने वो आम भी नहीं देखे हैं। फ्रेंड्स मेरी मेथी काफ़ी अच्छे से लग गई है, मैंने काफ़ी इसको लगाई। देखिए कोको पीट में ना मेथी को मत लगाना, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कोको पीट में मेथी को मत लगाना, क्योंकि मेथी जैसी जो ये वेजिटेबल्स होती है ना, ये फिर थोड़ी सी गिर जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका भी एक रीज़न, ये देखिए मैंने जैसे कि स्टैक वाला ये कोको पीट के लिए, इसमें कोको पीट ही है, सिर्फ कोको पीट है। देखिए फ्रूट प्लांट में तो मैं यूज़ करती हूँ ये सारे फ्रूट प्लांट, देखिए आम मेरा इसी में लगा हुआ है, और आप देखिए कितनी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी हो गई है, मैंगो का प्लांट है, बट ये मैंने ना फ्लावर्स के लिए रखा था। इसमें मैंने जब मेथी लगाई तो सारी की सारी क्या होता है कि पानी इसमें थोड़ा सा उस तरीके से होता है और थोड़ी सी जमाव स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, तो इसको मेथी को मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने इस बार इसमें से लगा दी थी कि चलिए अभी खाली बॉक्स पड़ा हुआ तो मेथी, तो देखिए मेथी का क्या हाल हो गया है। ये जो मैंने आज फर्टिलाइज़र रेडी किया है ना, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने बनाया है छाछ वाला फर्टिलाइज़र, यानी कि छाछ का फर्टिलाइज़र जो है अब घर में बच जाती है या जो भी आपके पास होती है, तो ये एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, ये अपने प्लांट्स को आप ज़रूर दीजिए। इसमें आपको क्या करना है,
एक भाग पानी, सॉरी एक भाग आपको छाछ का लेना है और 5 भाग पानी। तो देखिए इस तरीके से मैंने खट्टा बना लेती हूँ, ऐसे भर के आप कैन में इसको अपने पौधों में आप दे सकते हैं। बेस्ट फर्टिलाइजर का काम करता है, करी पत्ता के लिए भी बहुत बेस्ट है। देखिए कैल्शियम ना हमारे सभी पौधों के लिए ज़रूरत है, आप बैंगन लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, उन सब के लिए कैल्शियम के लिए एक अच्छा सोर्स है छाछ है ये, अपने सभी पौधों को आप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स किन्नू भी हमारे लगता है 10 से 15 दिन में हार्वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि साइज़ अब काफ़ी अच्छा भी, साइज़ भी अच्छा हो गया, कलर आ गया, हालांकि पिछली बार के जितना मेरा साइज़ नहीं हुआ है। और ये देखिए अमरूद का साइज़ भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, अमरूद के पौधे में भी मैं छाछ को इसको देने वाली हूँ। और नींबू, आम देखिए ज़बरदस्त, किसी ने एक ने लिखा था कि ये फेक वीडियो है, ये ऐसे आम नहीं होते। देखिए जो जानता है ना, अब तो ऐसा कोई नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा इस बात को कि ये फेक वीडियो है और आम ऐसे नहीं लगते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्लांट जब इसमें हर समय इस तरीके से फ्लावरिंग और फूटिंग होती रही है। और देखिए मेरे नींबू के पौधे जो मैंने लगाए थे वो लग गए हैं, पौधे मेरे सभी लग चुके हैं जितने भी पौधे मैंने खरीदे थे। और देखिए फ्रेंड्स मैंने अमरूद के इस पौधे पर भी देखिए यहाँ से पिंचिंग की थी तो ये वाली ब्रांचेस बन गई है यहाँ पर, ये देखिए। और बेर के पौधों में जो है मेरे फ्रूट सेट हो गए, इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगी। देखिए इस समय अगर आपके फल आने लग गए होंगे तो जब फल आने लग गए तो थोड़ा सा आप सी वीड का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और बोरोन का फर्टिलाइज़र दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि बोरोन देने से जो फ्लावरिंग ड्रॉप होने की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं वो बहुत काम की होती हैं, यानी कि ये जो तरीका होता है कि आप इस काम को प्रोसेस को ज़रूर करके देखिए। और हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो भी पौधे हम मंगाते हैं 1 साल बाद ही पता चलता है कि उसमें फ्रूट कौन सा आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी वाटर एप्पल का प्लांट मंगवाया, ऐसे मैंने ऑनलाइन पहले मंगाया था वाटर एप्पल का पौधा मंगाया था रेड, बट कुछ दूसरा आया, तो इस बार भी मैंने जैसे कि रेड मंगाया है, बट अब ये तो पता चलेगा जब इसमें फ्रूटिंग होगी। देखिए इसलिए नर्सरी वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लांट्स जो भी भेजे ना सही भेजे, यानी कि वैरायटी को सही भेजे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा था तब मुझे भी ये रियलाइज हुई, जैसे कि आप मुझे बताना कि बनाना मैंगो में ना फ्लावरिंग कितनी बार होती है, यानी कि फ्रूटिंग किसी के यहाँ लगा हुआ है तो कितनी बार फल आते हैं। अगर 2-3 बार फल आते हैं तो ठीक है वो बनाना मैंगो ही होगा, वरना इस समय तो देखिए जो आम के पौधे में फल आने का समय नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में ही पता चलेगी। और बेर के पौधे में इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए फ्रूट आने लग गए हैं तो वाटरिंग अच्छे से कीजिए, यानी कि मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, वरना जो फल गिरने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप एक स्प्रे कर सकते हैं, सीवीड जो आता है लिक्विड भी आता है, या जो भी है उसको घोल के। और अब मार्केट में ना जब आप किसी भी खाद बीज की शॉप पर जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, वैसे नहीं है तो सीवीड को घोल बनाइए और स्प्रे कीजिए। जैसे चीकू के पौधे का भी आता है कि उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो थोड़ा सा अपने ब्रश से लेके पॉलिनेशन कर दें प्रॉपर तरीके से, उसमें क्या पॉलिनेशन, या फिर उसको हल्का सा जो उसकी कलियां होती है उसको थोड़ा सा दबा दें। पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप केमिकल का यूज़ कम कीजिए। और देखिए जैसे कि है ना कई बार होता है कि कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप DAP के कुछ दानों, हालांकि देखिए केमिकल है पर DAP के कुछ दाने इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि जड़ें मजबूत हो जाए एक बार। लेकिन DAP आपको कम मात्रा में, यानी कि 16 इंच का गमला है तो 10-12 दाने से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। देखिए केमिकल जब भी आप यूज़ करें, करना भी पड़ा, देखिए कई बार इमरजेंसी होती है कि पेस्ट कंट्रोल के लिए कभी यूज़ करना पड़ जाता है। देखिए अभी मेरे ना थोड़ा सा मक्खियों का थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है, मैं देख रही हूँ कटर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ काट रही हैं, तो मुझे फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगाना है, कुछ काम है थोड़े से, देखिए फेस्टिवल है तो थोड़ा सा बहुत ना पेंडिंग हो जाता है मेरा भी, क्लीनिंग का काम भी प्रॉपर तरीके से मैं जितना हो जा रहा है मैं कर रही हूँ। सब्जियाँ मेरी लग गई हैं, मटर मैंने लगा दी है, पालक मैंने लगा दी है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी कर गया है, मेथी मैंने लगा दी है, मेथी को जैसे मैंने कोकोपीट में मत लगाइए, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या है कोकोपीट में ही, मतलब मेरी जो फ्रूट प्लांट कोकोपीट में आप लगा सकते हैं। मैंने वीडियो भी शेयर किया कि कोकोपीट में जितने भी मेरे आप फ्रूट प्लांट देख रहे हैं ना, मैक्सिमम मैं कोकोपीट में ही लगाती हूँ, क्योंकि टेरेस पर मेरे ज़्यादा पौधे हो गए तो वेट ना हो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और साथ ही मुझे ना मिट्टी की प्रॉब्लम भी है, अगर आपको मिट्टी इजीली अवेलेबल होती है ना तो आप मिट्टी में पौधा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं होती है तो कोकोपीट में भी आप लगाएंगे। देखिए जो शहरों में रहते हैं ना, जैसे दिल्ली हुई, बॉम्बे हुआ, इन जगहों पर थोड़ी वाकई प्रॉब्लम होती है, और फ्लैट पर ऊपर मिट्टी लेकर आना आसान बात नहीं है, गार्डन की जो मिट्टी होती है वो हमारी ख़राब होती है, इसीलिए मैं कोकोपीट से जो है मिट्टी रिपेयर करती हूँ और उसका रिजल्ट आप देखते ही हैं। और देखिए कभी कभार है नेचर है कि फ्रूट कभी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये भी लिविंग थिंग्स है, जैसा कि हमारे साथ
ऊपर नीचे चलता रहता है, तो कभी कभी प्लांट के साथ होता है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो हालांकि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अपने पौधों का। टाइमिंग पर आप उन्हें पानी दीजिए। अगर आपके फूड प्लांट पर थोड़ा सा जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सनलाइट की थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, तो सनलाइट को थोड़ा सा आप पौधे को इस तरीके से, मैं थोड़ा चेंजेस जैसे लेकर आती हूँ अपने गार्डन में, तो वो करना ज़रूरी है, क्योंकि फूड प्लांट को बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर 6 आवर्स की सनलाइट मिले। और साथ ही साथ दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनसे कहूँगी कि अब थोड़ा सा फ्रूट प्लांट पर कम लगाएं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सनलाइट, जो दिल्ली में रहते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, सनलाइट धीरे धीरे कम हो जाती है। मेरे लिए सच कहूँ तो कई बार ऐसा होता था कि अब दिवाली बाद आप देखना वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, कि मैं बोलती हूँ ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब दिल्ली में रहने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, जबकि यहाँ हमारे जब द्वारका में बहुत ग्रीनरी है उसके बाद भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आई होप आपकी बहुत सारे क्यूरीज को, जो क्वेश्चंस आए थे, मैंने इसी वीडियोस के जरिए इसको पूरा किया है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कुछ टाइम के बाद प्रॉपर वीडियो लेके आने, अभी आप जानते हैं कि थोड़े से फेस्टिवल है तो हमको बहुत काम रहता है, और ज़रूर आपके लिए मैं पूरे, आप क्वेश्चंस लिखते हैं, अभी थोड़ा सा मैं डिले भी हुई कि यानी कि आपका क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में लिखा, मैं प्रॉपर टाइमिंग पर आंसरिंग नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Thank you.